अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कोला ग्राम पंचायत की कई लोगों ने तहसील दिवस में ज्ञापन देकर अपने गांव की जांच करवाने की मांग की। उन लोगों का आरोप है कि उनके सूची में नाम है लेकिन फिर भी आवास नहीं दिए। क्या मामला लेकर तहसील में आए हैं? आवास क्या हुआ, सूची में नाम है तो फिर क्यों नहीं मिल रहे? बस गरीब जान के हमें छोड़ दिया। आपने देखा सूची में नाम है कि नहीं? कि मेरा सूची में नाम नहीं है, मैं गरीब हूँ, प्रधान है, कोई नहीं सुनता है मेरा। क्यों नहीं सुनता प्रधान? कहे नहीं सुनता आपके? नहीं सुनता, गरीब जान के नहीं सुनता है। चार पांच लड़का है, बिटिया ब्याह के बैठी है, सब हमारे संगी रहने के गरीबी है। क्या मांग कर रही है प्रधान से? सलामी का कहा है आपने? कभी कहा है तो कह रहे हैं कि तुम्हारी कुछ ना नाम है। सूची में नाम है हमारा, काट दिया। आपने देखा है सूची में? खाता नंबर भी ले गए बाद में, काट दिया। कब खाता नंबर ले गए थे? कब ले गए थे खाता नंबर? हो गया 10-12। तो आज यहाँ पे किसको एप्लीकेशन दिया है? डीएम। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? जांच के लिए कभी जांच के आई कॉलोनी। क्यों आपके पास रहने के घर नहीं है? रहती नहीं, रहने के नहीं है। कितनी जमीन है आपके पास? अरे हमारे एक बीघा से कम ही जमीन। पात्रता सूची में नाम है आपका? हाँ जी हमारा है ना। देखा था? हाँ जी हम देखा। तो क्यों नहीं दे रहा प्रधान? कहते हैं कि दिलेंगे तो आप पता नहीं कब देंगे। कब से आश्वासन मिल रहा है? अरे काफी दिन, 3 महीने से हमको आसरा लगा कि साथ मिलेगा तो नहीं मिलता है हमको, तो हमको साहब यहाँ आने पड़ता है। पात्र उनको नहीं दिया, जो पात्र थे उनको सबको दिया गया है। आपके हिसाब से किस तरह से पात्र? नहीं कभी गांव गया, देखने नहीं गया कि कौन पात्र कोई पात्र नहीं। जो सचिव ने हमको सूची बना के दी उसमें हमने साइन कर दिया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है पात्र लोगों की सूची है जो सचिव ने बना के दी? वो जो पात्र लोगों के हैं, जितने 70 लोगों को दिया गया पात्र लोगों सबको का। और जो छूट रहे हैं उनके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? जो किया जाएगा वो शामिल करवाया जाएगा। फिर पूरी सीरियस ली जाए सूची, गरीब आदमियों के दिए जाए जाँच करके उच्च अधिकारियों द्वारा, वीडियो ये सचिव द्वारा न की जाए। बस आज आपने विधायक से क्या मांग की? विधायक से मांग की है कि बहुत धांधली बढ़ रही है आवासों में, लेटरिन में, हम जांच। 2011 की मास्टर सूची है, उनमें जिन पात्र व्यक्तियों के नाम है क्रमशः उनका जो भी जिले में आवंटन होता है प्रत्येक गांव में, तो वो पूरी तरीके से सब लोगों को जो आवास विहीन है उनको आवास मिलेगा। किसी को आगे है, किसी को पीछे है, जिनका क्रमशः है नाम आगे आता जाएगा। 2022 तक सभी लोगों को जिनके छप्पर के मकान है या जिनके पास नहीं है मकान, सबको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री इस आवास योजना के से अच्छा नहीं निश्चित है। कुछ स्थानीय स्तर पर समस्या प्रधानों के द्वारा है कभी कभी, क्योंकि गांव में ग्रामीण अशिक्षित है, उनको ये जानकारी नहीं है कि अगर हमारा सूची में नाम है तो आवास मिल रहा है। वो कभी कभी प्रधान आदि लोग मतलब अपने अनर्गल लाभ के लिए उनको परेशान करते हैं कि इसको ना करके उस सूची में नाम का भी हेरफेर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब ऐसा नहीं है, अब पूरी तरीके से पारदर्शिता से काम होगा। जिनकी सूची में नाम है, आधार कार्ड से लिंक है, अकाउंट में पैसा उन्हीं के जाएगा, वो नाम में हेरफेर नहीं हो सकता। भूमिहीन होने का, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है लेकिन इसका रिकॉर्ड सब देखभाल होने के रिकॉर्ड से प्राथमिक रूप से जैसे आवास देने की बात है तो आवास पक्का मकान देखकर पक्का मकान अगर है तो सरकार को रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। इस कार्ड से नाम काटेगा लेकिन उनका तो सूची में नाम है, वो लोग बोल रहे हैं नाम होने के बाद भी तो जांच होती है, होने के बाद ही तो जांच होती है। तो किस तरह की जांच हुई है, क्या पाया गया है जांच में? घर मकान पक्के पाए गए हैं, ज्यादातर लोगों के घर मकान पक्के पाए गए हैं और एक दो लोग छोड़े गए हैं। वो जैसे पूर्व में अगर कोई इंदिरा आवास भी मिला था तो रिकॉर्ड में नाम चढ़ा हुआ है, इस कार्ड से एक दो नाम वो छोड़े गए। कितने आवास गए हैं? 69 आवास अन्य वर्ग के और एक अल्पसंख्यक यहाँ से गए। अभी कितने लोगों के नाम बाकी हैं? मेरी समझ में तो नहीं बाकी, पूरी सूची वहाँ की ले ली गई थी। जो लोग अभी भी पात्र हैं उनके लिए क्या होगा? उसके लिए अपना अगर क्या होगा, अब ये
उच्च अधिकारी बता सकते हैं क्या हो सकता है।